एपिसोड 109 मिल गया है भाई महाभारत का। देख रहे हैं पांडुपुत्र द्रौपदी के राज्य में आ गए हैं और अभी तक खामोश हैं, बस खामोशी से वो देख रहे हैं। और कृष्णा जी भी आ गए, बोला कि ये सारे राजा हैं हस्तिनापुर के और ये अर्जुन है जिसके साथ आपकी पुत्री का विवाह हुआ है। बाकी देखते हैं कि द्रौपदी बोलता है तो प्ले करें। द्रौपदी को पांच ब्राह्मण और कोई नहीं, हस्तिनापुर के राजकुमार सम्राट पांडु के पुत्र और ये स्वयं अर्जुन जिसके साथ आप द्रौपदी का विवाह कराने का स्वप्न देख रहे थे। ये पांडव है ब्राह्मण के वेश में, असंभव। महाराज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इनका स्वागत करना आपका कर्तव्य है। यही मेरा स्वागत है। यदि ये वास्तव में पांडव है तब तो इन्हें दंड मिलना ही चाहिए। वासुदेव अवश्य हस्तिनापुर के ये राजकुमार पांचाल में कन्या प्राप्त करने नहीं आए थे। वासुदेव पांचाल का अपमान करने की कोई भयानक योजना बनाकर आए थे। ये मेरी पुत्री ने विश्वास रखकर अर्जुन के गले पर वरमाला डाली थी और उसने उत्तर में द्रौपदी को जीवन भर के आंसू का दान दिया। मैंने तो माना था वासुदेव कि ये धर्म को जानने वाले नायक हैं और इन्होंने ऐसा कार्य किया। ईश्वर ने इनके द्वारा ये कार्य करवाया है महाराज द्रौपदी। ये निर्दोष है या नहीं उसका कोई महत्व नहीं है। इनके कारण मेरी पुत्री का जीवन दुखों से भर गया है और खुद जो वरदान दिए थे विवाह करेगी या अविवाहित रहेगी उसे तो जीवन भर केवल अपमान ही प्राप्त होगा। खुद ही तो वरदान दिए थे, इसने भी इतने वरदान दिए थे तो ऊपर वाले थे जितने भी, इसका ठंडा ही नहीं होगा। इनके कारण नहीं महाराज, आपके कारण। द्रौपदी के जन्म के समय आपने द्रौपदी के लिए कैसा भविष्य मांगा था? मरण कीजिए महाराज। तो मैं अपनी पुत्री के लिए जीवन भर का कष्ट मांगता हूं, उसे विश्व की सारी पवित्रता प्राप्त हो, सभी संसार उसे पवित्र माने। ले सकते हैं ऐसी पुत्री देवता मुझे, दुष्कन्या के साथ बार बार अन्याय हो। अन्याय मंगा भी दूसरों को इल्जाम लगा रहा है।
माता पिता के कार्यों का परिणाम उनकी संतानों को भुगतना पड़ता है। अब द्रौपदी को भी वो सारे दुख अवश्य प्राप्त होंगे जो आपने उसके लिए मांगे थे। नीम का पौधा लगा लेने के बाद आम की आशा नहीं की जाती मित्र। किंतु संतोष इस बात का अवश्य है कि अपने दुखों को पार करके द्रौपदी आर्यवर्त की महान स्त्रियों में स्थान प्राप्त करेगी। आने वाला समय द्रौपदी की पूजा करेगा महाराज। अब आप अपने 5 जमाइयों का स्वागत कीजिए। 5 जमाई पहले से लिखा हुआ था तकदीर में ये वरदान मिला हुआ था द्रौपदी महाराज। इतना बुरा बुरा कैसे मांगा था भाई भगवानों को, अभी मिलता है। लेकिन द्रौपदी की पूजा होगी कृष्णा जी ने बता दिया, यही तो हमें राहत मिल जाती है। वासुदेव कृष्ण पधारे हैं राजकुमारी। तुम्हें अपने निर्णय से संतोष है सखी? Thank you.
किया मेरे को भी। ये कैसा निर्णय लिया है? इस अनाचार की कल्पना भी कैसे जन्मी मेरे हृदय में? किस प्रकार विवाह कर सकती है? यह धर्म है गोविंद, यह धर्म है। तुमने ऐसे अधर्म का निर्णय क्यों किया द्रौपदी? वह क्या करती गोविंद? माता कुंती के चार पुत्रों को संन्यास किस प्रकार लेने देती? इस विचार मात्र से माता का हृदय टूट गया होगा, किंतु मेरे सुख के लिए उन्होंने मेरे सामने आंसू भी बहने नहीं दिया। तो मैं किस प्रकार स्वार्थी बनकर केवल अपना विचार कर सकती है गोविंद? और राजकुमार अर्जुन, उनके मुख की हताशा को देखा है मैंने, फिर मैं किस प्रकार अपने हृदय में आशा संजोती रहती हूं?